हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके इस चैनल स्काई फ्रॉम एब्रॉड में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीबीएस एब्रॉड। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही क्वेरी रह रहा है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एमबीबीएस एब्रॉड में, कैसे स्टार्ट करें, मतलब क्या सोचे। एक ही बार ऐसे नहीं होता है, दिमाग में एक बैरियर होता है स्टूडेंट के बीच में कि भाई एब्रॉड जाना है, कहाँ से स्टार्ट करें, किसके थ्रू लें, कंसल्टेंसी कौन सा चूज करें, स्टूडेंट के थ्रू लें कि क्या लें, मतलब यूनिवर्सिटी जैसे बेस्ट है कि नहीं है, कौन कौन से क्राइटेरिया पे ध्यान दें, इन सारे बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के बस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप यूनिवर्सिटी जैसे सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये देखें कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल तो नहीं है, बिकॉज 18 नवंबर 2021 के बाद अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, अगर आप उससे अपना जनरल मेडिसिन का प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इंडिया में जाके नेक्स्ट देने के लिए। तो सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि आपको चेक करना है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल और फुल इंग्लिश। रशिया में लगभग यूनिवर्सिटी सारी अब फुल इंग्लिश हो गई है, मतलब अपना फुल इंग्लिश, जैसे रशियन प्रोग्राम भी है, इंग्लिश प्रोग्राम भी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में, बट इस पर मेन फोकस रखें। दूसरा पॉइंट, वहाँ पे आप देखें कि पॉपुलेशन है कि नहीं उस सिटी का, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आप कंसल्टेंट के माइंड से ना जाएं, क्योंकि देखिए कंसल्टेंट हो गया, या यहाँ तक कि स्टूडेंट भी हैं यहाँ जो कि वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। जैसे स्टूडेंट की बात करें, जैसे मेरा ही एग्जांपल लें तो मान लीजिए मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, नहीं, आपको अपने दिमाग से सोचना है। आजकल देखिए YouTube अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप अगर नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी का। अब जैसे आप इंग्लिश में देख रहे होंगे, जैसे बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप इंग्लिश में गूगल पर सर्च कर रहे होंगे तो आ रहा होगा, बट ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, ओरिजिनल नाम है रशियन में बस्की गसुदारस्तवनेमेदिनिस्की यूनिवर्सिटी। इस पर सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल जो रिव्यू है कॉलेज का दिखेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल वेबसाइट है। बाकी वेबसाइट जो भी आप इंग्लिश में देख रहे हो सब कंसल्टेंट का वेबसाइट है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें कि सर्च करना है, अच्छे से सर्च करना है, अच्छे वेबसाइट पे सर्च करना है और YouTube पे सर्च करें, उसके बाद ही क्वेरी करें। पहली बात में क्या बताया कि आपको सर्च करना है कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है कि नहीं है, दूसरी बात क्या बताया, पॉपुलेशन देखना है आपको, थर्ड पॉइंट देखना है क्या कि मॉस्को जो कैपिटल सिटी है उससे ज़्यादा फार अवे तो नहीं है। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी बहुत दूर है डिस्टेंस है, अगर आप उसके लिए सेटिस्फाई हैं तो वैसी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उस वैसी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये देखना है कि यूनिवर्सिटी कितना दूर है मॉस्को से, जो कैपिटल सिटी है रशिया से, कितना ड्यूरेशन लग रहा है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ ये आपको देखना है कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, बिकॉज देखिए इंडियन स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करेंगे कि स्टूडेंट गया एक साल रहा फिर अपना इंडिया चला गया, मन नहीं लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैं इंडिया में बात करूँ तो मेरे बड़े भाई थे तो वो क्या चलेगा, जैसे उनको इंग्लिश आती थी हिंदी आती थी, वो चले गए हैदराबाद कॉलेज में, कोई एडमिशन नहीं है, एक दो महीना रहे लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गए। तो जब देखिए कंट्री में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप तो एब्रॉड आ रहे हैं, बात साफ है। तो पहले ज़्यादा वो नहीं सोचना है, पहले ये देखना है कि इंडियन स्टूडेंट कितने हैं, चौथा पॉइंट, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट रहेंगे आप सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहती है, अगर जनरली देखा जाए, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। पांचवी पॉइंट की बात करें तो आपको FMG पासिंग रेशियो देखना है कि कितना बैच वहाँ से पास हुआ है, पासिंग परसेंटेज क्या है, पांच पॉइंट में बता दिया। छठे पॉइंट देखना है आपको कि वहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं, अच्छा यूनिवर्सिटी के नज़दीक हॉस्टल है कि नहीं। सातवां पॉइंट देखना है कि मेस अवेलेबल है कि नहीं, मस्ट है मेस, हॉस्टल इन द सेंस देखिए इंडिया में हॉस्टल में इंक्लूड होता है सब कुछ, मेस यहाँ पे हॉस्टल बोलेंगे आपको, उसमें फूडिंग इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो हॉस्टल देखना है, मेस देखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको देखना है ये यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एक्रीडेटेड है, बिकॉज देखिए FMG हो गया, NMC हो गया, FEMR हो गया, ECFMG हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज है कि नहीं। आप यहाँ से अपना लाइसेंस कंप्लीट करके इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाके वहाँ लोकल लाइसेंस एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, इन सारे बातों को ध्यान में देना है, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। जैसे कि आपको 12th में 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्रीगेटेड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर बात करें तो 10th की मार्कशीट हो गया, और भी सब डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसको भी आप अपने लिए चूज़ किए हो उनसे आप बोल सकते हैं कि भाई इन सारे डॉक्यूमेंट को जिस पे भी आपको बिलीव हो, जिस कंसल्टेंट पे, जिस स्टूडेंट पे, उसको भेजे आप, और डायरेक्ट मतलब विद इन वन वीक में एडमिशन लेटर इशू कराएं। ध्यान दें कि एडमिशन लेटर फेक ना हो, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल की बात करें कबाडिनो बालकेरियन में
तो एक कंसल्टेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब पूरा फेक एडमिशन लेटर निकाल दिए थे। अभी एडमिशन चालू नहीं हुआ था और स्टूडेंट को ये लोग लेने लगते हैं और अपना एडमिशन लेटर निकाल निकाल के देने लगते हैं। तो ये देखना है कि एडमिशन लेटर फेक ना हो। और मतलब एडमिशन लेटर के लिए मैं बताया हूँ डॉक्यूमेंट, 12th की मार्कशीट स्कैन, वैलिड पासपोर्ट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया और पासपोर्ट साइज फोटो हो गया स्कैन करके, तो आपको एडमिशन लेटर निकलेगा, विद इन वन वीक निकलना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन में आपको यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी इनविटेशन लेटर। उससे पहले एक रुपया फीस नहीं लगता है, फीस आप यहाँ पे आने के बाद दे सकते हैं, अपने क्लास 10-15 दिन करते हुए उसके बाद आप फीस दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इंडिया से फीस देना है, बिल्कुल इंडिया से फीस ना दें। और उसके बाद बात करें तो इनविटेशन लेटर 15 से 20 दिन में आ जाएगा। उसी इनविटेशन लेटर पे आपको लगेगा इंडिया में वीजा, और उसी वीजा पे जैसे बच्चे बोलते हैं कि लोन ये वो, तो एडमिशन लेटर से आप लोन के लिए आप ऑथोराइज हो गए एडमिशन लेटर पे, जो 7.5 लाख विद्यालक्ष्मी के तहत आता है, हम लोग की इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसी वीजा पे जो इनविटेशन गया इसी पे वीजा लगेगा, वीजा के बाद ही आपको टिकट कराना है। रिस्क नहीं लेना है कि नहीं वीजा पहले आ जाए, टिकट करा दे कम प्राइस ये, और 2-4 हज़ार के चक्कर में फर्स्ट टाइम में अपना पड़े, उसके बाद से आपका लगेगा टिकट, उसके बाद अप्लाई करेंगे रशिया के लिए अपने यूनिवर्सिटी के लिए। और होप आपका जर्नी अच्छा रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नीचे दिए गए नंबर पर बेफिक्र होकर कॉल करें। स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी डाउट हो क्लियर किया जाएगा, आपको एडमिशन लेना हो नहीं लेना हो, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। बाकी तो मैं बस की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी कर रहा हूँ, और बस और क्या, ऑल द बेस्ट बाय गाइस। तो एक पॉइंट मैं भूल गया हूँ, सॉरी गाइस, वो नहीं, वो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और ये पॉइंट है कि क्लाइमेट, क्लाइमेट आपको जरूर से ज़रूर देखना है, क्योंकि क्लाइमेट मतलब देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है रशिया के एकदम वेस्ट में ईस्ट में बसी हुई है, बहुत क्लाइमेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, -50, -55, -40, वैसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर नहीं करना है। एक दो महीना आप अच्छे से रह पाएंगे, फिर उसके बाद पैक रहना पड़ेगा वहाँ पे। क्लाइमेट भी ज़रूर देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके गाइस।